कंप्यूटर सिस्टम। हमने पिछले वीडियो में कंप्यूटर के पार्ट्स देखे, जिनमें कंप्यूटर के फोर मेन पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। मॉनिटर, सीपीयू एंड कीबोर्ड के बारे में हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं कैप्स लॉक कीज। ये जो कीबोर्ड की होती है कैप्स लॉक की, ये हमें हमारे जो लेटर है वो कैपिटल और अपर केस में दिखाई देते हैं स्क्रीन पे जब ये ऑन होता है। जब हम कैप्स लॉक ऑन करते हैं तब उसके राइट साइड में हमें एक लाइट दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मेमोरी शब्द टाइप करना है और अगर कैप्स लॉक ऑन है तो हमें मेमोरी इस प्रकार, जो लास्ट लाइन में दिया हुआ है लास्ट वर्ड मेमोरी कैपिटल में, वैसे दिखता है। कीबोर्ड पे जो की है वो शिफ्ट की। ये शिफ्ट की क्या करती है? वैसे तो कीबोर्ड पे दो शिफ्ट की प्रोवाइड की हुई है, एक जो लेफ्ट साइड होती है कीबोर्ड के वहाँ पे है, और दूसरी जो है वो हमारे अल्फाबेट्स के राइट साइड में होती है। शिफ्ट की का यूज ऐसा है कि अगर हम शिफ्ट की किसी नंबर के साथ प्रेस करते हैं तो हमें सिंबल रिटर्न हुए मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने टू नंबर की ली, अगर हमने सिंपल टू नंबर की को प्रेस किया तो स्क्रीन पे हमें सिर्फ टू नंबर दिखेगा। लेकिन अगर हमने शिफ्ट की दबाते हुए टू नंबर भी दबाया उसके साथ, तो हमें मिलेगा एट द रेट कैरेक्टर नंबर पे स्क्रीन पे दिखेगा, हमें टू नहीं दिखेगा, तब हमें दिखेगा एट द रेट कैरेक्टर। ये हमारे शिफ्ट की का यूज है। नेक्स्ट की है हमारी स्पेस बार की। ये जो दिख रही है स्पेस बार की, ऐसे जो सबसे लॉन्ग की होती है हमारे कीबोर्ड पे, ये स्पेस बार की होती है। ये जब हम कोई सेंटेंस या वर्ड लिखते हैं उस पे जो हमने गैप दिया हुआ है, जो ब्लैंक स्पेस है, जो जगह छोड़ी हुई है, इसके लिए हमने स्पेस बार की का यूज किया है। ये है हमारे कर्सर कंट्रोल कीज। ये जो स्क्रीन पे हमें कर्सर मिलता है उसको कंट्रोल करना, उसको राइट साइड ले जाना, लेफ्ट साइड ले जाना, ऊपर नीचे, ये जो कंट्रोल करता है, ये कर्सर को कंट्रोल करने वाली ये चार कीज है, अप की, डाउन की, लेफ्ट की एंड राइट की। इन सभी कीज को एरो कीज बोलते हैं। पहले हम देखते हैं कि कर्सर क्या है। व्हाट इज अ कर्सर? अ कर्सर इज अ आई शेप मार्क। ये जो हमारे ऐसी लंबी लाइन होती है उस लाइन के शेप का ये कर्सर होता है, जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसे ब्लिंक करते हुए, मतलब दिखता है चला जाता है ऐसे ब्लिंक करते हुए जो दिखता है हमें,
स्क्रीन पे उसे कर्सर बोलते हैं। जब हमें कुछ भी टाइप करना होता है तो हमारा कर्सर जहाँ पे भी है वहाँ से हमारी टाइपिंग चालू होती है। हम उस कर्सर के डायरेक्शन से ही हमारी टाइपिंग कहाँ पे भी मूव कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, ये हम कर्सर से करते हैं। ये जो है हमारी की है एंटर की। व्हेन यू फिनिश टाइपिंग अ सेंटेंस देन एंटर की इज यूज्ड टू टेक कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। जब हमने कुछ लिख लिया है स्क्रीन पे और अब हमें दूसरे लाइन पे जाना है तो हमें ये एंटर की दबानी पड़ती है और फिर हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। यह है डिलीट की। डिलीट की सभी को पता है कि कुछ भी आपने लिखा हुआ होता है वो डिलीट करती है, इरेज करती है। हमने बाय मिस्टेक कुछ लिख लिया है तो उसे डिलीट करने के लिए हम डिलीट की यूज़ करते हैं। लेकिन डिलीट की सिर्फ जो हमारा कर्सर है उसके राइट साइड के ही कैरेक्टर को डिलीट करती है। ये जो है वो है बैकस्पेस की। हमारे कीबोर्ड पे जो बैकस्पेस की होती है वो उस पे इस तरह का एरो होता है। अगर सपोज हम कुछ टाइप कर रहे हैं और हम टाइप करते करते कुछ लेटर रॉन्ग हो गया तो फिर हम पीछे जाते हैं बैकस्पेस से और उस लेटर को बैकस्पेस करते हम जो इमीडिएट लेटर हमारा गलत हो गया है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। हमने देखा जैसे डिलीट की कर्सर के राइट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करती है और बैकस्पेस की कर्सर के लेफ्ट साइड के कैरेक्टर्स को डिलीट करती है। ये इन दोनों कीज में डिफरेंस है। अब हम देखते हैं माउस। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा, कीबोर्ड देखा, फिर अब इस वीडियो में हमने कीबोर्ड पे जो कीज होती है वो देखी और अब हम देखेंगे माउस, फोर्थ मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। जैसे हमने देखा कि कीबोर्ड जैसे इनपुट डिवाइस है वैसे ही माउस भी इनपुट डिवाइस है। हम माउस से कुछ भी एक्शन करके कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। उसके ऊपर टू बटन होते हैं और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। उसे एक लॉन्ग वायर होती है जो हमने सिस्टम कैबिनेट को कनेक्ट की होती है। इसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल व्हील होता है। हम माउस की सहायता से कुछ भी पिक्चर बना सकते हैं, उनमें कलर कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, सेंटेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम माउस का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि माउस क्लिकिंग किसे बोलते हैं। अगर हमने माउस के बटन्स को सिंगल क्लिक किया तो इसका मतलब क्या होता है? व्हेन यू प्रेस लेफ्ट माउस बटन वंस एंड रिलीज। हम माउस के जो लेफ्ट साइड का बटन है वो हमने एक बार क्लिक किया और छोड़ दिया तो उसे क्या बोलते हैं? लेफ्ट क्लिक या फिर सिंगल क्लिक या फिर ओनली क्लिक। अब जो राइट क्लिक है वो किसे बोलते हैं? जब हम राइट साइड के बटन को प्रेस करते हैं और छोड़ देते हैं तो हम उसे बोलते हैं राइट क्लिक। और डबल क्लिक हम बोलते हैं हम जब लेफ्ट साइड बटन को दो बार
जल्दी से दबा के छोड़ते हैं उसे हम डबल क्लिक बोलते हैं। अगर हमें कुछ सिलेक्ट करना है तो हम डबल क्लिक का यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें लेफ़्ट साइड बटन को जल्दी से दो बार दबाकर छोड़ना होता है, और उसको अगर हमें कहाँ पे भी ले जाना है, एक जगह से दूसरे जगह पे रखना है, तो हम उसे बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। हमें समझो एक सेंटेंस है जो हमारे स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे है और हमें उसे राइट साइड पे ले जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पे डबल क्लिक करके उसे छोड़ना नहीं है, उसे वैसे ही पकड़ के दूसरी तरह पे जाके फिर वहाँ पे छोड़ना है। इस तरह से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ड्रैग मीन्स हम करते हैं कि हम जब हमें कोई इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है या फिर टेक्स्ट को करना है, तो हम उस पर क्लिक करके उसे होल्ड करेंगे और वैसे ही होल्ड करते हुए हम उसे दूसरी जगह पे जहाँ पे हम उसे रखना चाहते हैं वहाँ पे ले जाएंगे और फिर वहाँ पे छोड़ेंगे। उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर कहते हैं। ये हमने कीज देखी, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, स्पेस बार की, कर्सर कंट्रोल की, एंटर की एंड डिलीट की, बैकस्पेस की एंड माउस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ फन एंड लर्न बाय शार्विको। लाइक की।